Dear students, welcome to my English grammar class of grade fifth. Today, in this video, I will explain you the concept of adver adverbs. Come to the page number 106, chapter number 29, adverbs. Students, first of all, come to this definition. What are adverbs? Adverbs are words that modify a verb, an adjective, another adverb. एडवर्ब्स क्या होते हैं वो वाले वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं कोई भी वर्ब या फिर कोई एब्जेक्टिव को या फिर कोई और एडवर्ब को कम टू द एग्जाम्पल शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटिफुली अब यहाँ पर ब्यूटिफुली स्पीक क्या है वर्ब क्योंकि कोई एक्शन हो हो रहा है वो बोल रही है फ्रेंच को बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली स्पीक करती है तो स्पीक क्या हो गया एक्शन तो इट्स एन वर्ब तो मैंने आपको क्या बताया जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब भी हो सकते हैं एडजेक्टिव भी हो सकते हैं एन अदर एडवर्ब भी हो सकते हैं तो यहां पर स्पीक्स क्या स्पीक क्या है वर्ब शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटिफुली हॉ डी स्पीक स्पीक सो स्पीक हेयर इज वर्ब एन एडजेक्टिव शी सेंग अ वेरी चेयरफुल सॉन्ग तो यहाँ पे जो चीयरफुल है वो क्या है एडजेक्टिव क्योंकि उसकी क्वालिटी बताई हुई है कि वो जो सॉन्ग है वो बहुत चीयरफुली सेंग करती है तो चीयरफुल क्या होगी क्वालिटी एडजेक्टिव क्या होता है कोई भी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन तो यहाँ पे उसने जो चीयरफुल है ये क्या होगी क्वालिटी होगी हा चरफुल वॉज सॉन्ग चीयरफुल क्या है एडजेक्टिव

सो आई विल रिपीट यू अगेन एडवर्ब क्या होते हैं वर्ड्स दैट टेल्स अस होन एक्शन इज डन और दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट द वर्ब आर नोन एज एडवर्ब्स एडवर्ब्स क्या होते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताते हैं जो एडवर्ब्स हैं मोर अबाउट दर्ब और इसका सेकंड लॉ क्या है इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स के साथ क्या यूज़ किया जाता है एंड पे एल वाई पर सारे एडवर्ब्स में नहीं एल वाई को यूज़ करना कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एल वाई का यूज़ होता है एल वाई को यूज़ किया जाता है नाउ कम टू द डिफरेंस

ये एडवर्ब्स uh, क्या बताते हैं मोर एंड मोर अबाउट द वर्ब्स नाउ कम टू दिस पॉइंट एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउंस एडवर्ब्स एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स यू कैन आल्सो एडवर्ब्स ईजली बिकॉज मैनी ऑफ देम आर फॉर्म बाय एडिंग एलवाई टू एन एडजेक्टिव बहुत सारे uh, बहुत सारे वर्ब्स रिकोगनाइज हो जाते हैं बहुत ईजीली उन उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है एल वाई कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है एल वाई तो उससे भी जो एडवर्ब्स है ईजिली रिकोगनाइज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हरिश इज़ अ वेरी केयरफुल बॉय ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली अब इस सेंटेंस में जो वर्ड केयरफुली है इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है एल वाई केयरफुल तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि क्वालिटी बताई गई है जो हरीश है वो बहुत केयरफुल बॉय है तो केयरफुल क्या है एडजेक्टिव क्योंकि उसकी क्वालिटी बताई है अब हमने आगे वाले जो सेंटेंस है सेंटेंस है ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया जैसे इस पॉइंट में बताया कि ऐड एल वाई हमने क्या ऐड कर दिया एल वाई इस सेंटेंस में एल वाई एड हुआ हुआ है ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली तो जो वर्ड केयरफुली है उसके साथ क्या एड हो गया एल वाई किसके साथ जो ऑब्जेक्टिव केयरफुल था एडवर्ब्स कैनोट मॉडिफाई नाउन्स हैंस यू कैनोट से हरिश इज़ आ केयरफुल बॉय जो एडवर्ब्स है वो नाउन्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हरिश इज़ अ हरीश इज़ अ केयरफुली बॉय

अब सारा क्या है सब्जेक्ट है ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव एंड गर्ल क्या है नाउन हेयर वर्ड ब्यूटीफुल मॉडिफाइज और गिव्स इंफॉर्मेशन मोर अबाउट द नाउन सारा अब ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में नाउन क्या है गर्ल इट टेल्स इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन अबाउट द नाउन सारा जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव और ये ये जो वर्ड है ये मॉडिफाई करता है इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन के बारे में सारा इफ द वर्ड मॉडिफाइज द वर्ब इट कैन इट इज एन एडवर्ब अगर कोई वर्ड मॉडिफाई करता है वर्ब को तो वो क्या बन जाता है एडवर्ब फॉर एग्जाम्पल सारा सिंग्स ब्यूटिफुली अब ये वर्ब है वर्ब सिंग क्या है एक्शन हो गया जो सारा है वो बहुत ब्यूटिफुल गाती है अब ये जो वर्ड है इस मॉडिफाइज दी वर्ब इसने किस को मॉडिफाई किया वर्ब को तो ये जो वर्ड ब्यूटिफुली है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में जो कि वर्ब कौन सा है सिंग्स अब ये जो वर्ड ब्यूटीफुली है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में सिंग्स के बारे में सो so, यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो गया ये जो वर्ड है ये मॉडिफाई करता है वर्ब ये जो वर्ड है ये वर्ब है सिंग्स तो अभी ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दी वर्ब सिंग्स सो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव क्लियर नाउ कम टू दी एस असाइनमेंट इट विल क्लियर यू मोर स्टूडेंट्स न कम टू दिस एक्सरसाइज राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एडजेक्टिव और एडवर्ब अब हमने इस ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म लिखनी है को एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में इसमें से हमें देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव है टू टू ब्लैंक्स गिवन है कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवोब है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एडजेक्टिव क्या होता है क्या uh, क्या होता है और एडवोब क्या होता है नाउ कम टू द पॉइंट फर्स्ट जूड इज डैश डैश ही वॉक्स डैश सो हमें ब्रैकेट में क्या गिवन है स्लो सो वट विल कम ह्य जूड इज स्लो he walks slowly तो slowly क्या हो गया Adverb. slow क्या हो गया Adjective. my grandmother is a dash lady she climbed up the stairs dash अब हमें ब्रैकेट में हाइलाइटेड वर्ड क्या गिवन है केयरफुल तो हमने ये जो वर्ड है केयरफुल ये क्या है एडजेक्टिव my grandmother is a careful lady तो ये क्वालिटी होगी कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो बहुत केयरफुल है तो ये क्वालिटी होगी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है लेडी uh, क्या है नाउन तो अब नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो एड्जेक्टिव्स होते हैं इट डिस्क्राइब्स अबाउट दी इट डिस्क्राइब्स अबाउट दी क्वान्टिटी एंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन तो अब यहाँ पे जो नाउन लेडी है उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है तो केयरफुल क्या हो गया एडजेक्टिव शी क्लाइंट अप स्टेयर्स डैश केयरफुल तो यहाँ पे क्या आएगा केयरफुली केयरफुली क्या हो गया द कैट इज डैश इट मूव्स इट्स टेल डैश एंग्री हाईलाइटेड वर्ड क्या दिया हुआ है एंग्री तो एंग्री क्या है एडजेक्टिव द कैट इज एंग्री वो कैट गुस्से में है तो उसकी खासियत बताई गई है जो नाउन है तो या, ये एंग्री क्या हो गया एडजेक्टिव इट मूव्स इट्स टेल एंगरली तो एंगरली क्या हो गया ऑरेटर स्पोक एक्सेलेंटली ही इज एन डैश ऑरेटर एक्सेलेंट ऑरेटर तो यहां पे क्या आएगा ये क्या है एडवर्ब तो एक्सलेंट uh, क्या हो गया एडजेक्टिव We learn French dash. Isn't it French and dash language? We learn French easily. So easily kya hai? Adverb. Isn't it French and easy language? Easy kya hai? Adjective. It's dash cold today. The cold wind is dash. It's awfully cold today. The cold wind is awful. Awful is adverb. And the cold wind is awful. It's an adjective. उंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव शी सेंग द्यूटिफुल तो ये क्या है एडवर्ब कविता इज अ वेरी डैश गर्ल कविता वेरी सेंसिबल गर्ल शी इज ऑलवेज एक्ट वेरी सेंसिबली तो ये क्या हो गया एडवर्ब यह क्या है एडजेक्टिव डेविड एट दैंडविच सैंडविच हंगरली तो ये क्या है एडवर्ब He was very hungry. Hungry kya hai? Ad Adjective. I find the storybook very interesting. Interesting kya hai? Adjective. It was dash written. Interestingly. It was interestingly written. Interestingly kya hai? Adverb. So, students, this is all about the exercise related to the adverb. And in this exercise, we have used the two. Two words adjectives and adverb. We have filled the blanks according to the according to their sense. So students, I will explain to you all these three points again so you so that you may not face any confusion. Adjectives kya hote hai? adjectives describe. Describes about the quantity or quality of a noun. जो adjectives होते हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कोई भी चीज चीज़ की कोई भी ना, नाउन की क्वान्टिटी या फिर क्वालिटी के बारे में और जो एडवर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं इनको डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है दे टेल अस अबाउट सम एक्शन बींग डन ये हमें क्या बताते हैं कि कोई एक्शन हुआ है एक्शन वर्ड्स को क्या कहते हैं वर्ब्स जैसे लुक्ड पैक्ड एंटर्ड डांसिंग सिंगिंग ऑल दीज आर दी एक्शंस तो ये क्या हो गए वर्ब्स एंड एडवर्ब्स क्या होते हैं विच टेल्स मोर एंड मोर अबाउट दर्ब्स और मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूलाइस इसका क्या बताया है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एल वाई का यूज होता है देयर आर सम एडवर्ब्स एडवर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई बट ओनली इन मोस्ट केसेस सारे केसेस में एल वाई को यूज नहीं करना एडवर्ब्स में ओनली इन फ्यू केसेस सो एडवर्ब्स जो होते हैं ये वर्ब भी हो सकते हैं एडजेक्टिव भी हो सकते हैं एंड अनदर एडवर्ब भी हो सकते हैं I hope all of you have understood about this concept. Thank you. Have a nice day.